अरे सॉरी प्रणाम प्रणाम महाराज, कहाँ हो आप? अरे हम तो यही है महाराज। अच्छा, और आप कैसे हैं? आपके परसों दर्शन नहीं हो सकता। आप आओ तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्सव हो जाता है। क्या बात। हाँ आइए आइए बैठिए। वाह। और नेता जी क्या चल रहा है? क्या बस देखिए, आपने हमें कोई कार्यभार सौंपा है, अपने प्रांत के लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये हमारा काम है। देखिए मुख्यमंत्री जी हमें जो आदेश देते हैं दिन रात, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, राजनीति में आपका बहुत गहरा पैठ है आपकी, कि मुख्यमंत्री जी दिन रात अपने एमएलए को अपने पास रखते हैं, खाते हैं, फला एरिया में चले जाओ, उधर देखो उधर देखो। ये अच्छा, प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं आती है तो मंत्री जी फिर आगे पास ऑन करते हैं ने? कि आवास योजना को आप पकड़ लो, और जो खान पान है स्वास्थ्य के लिए आप चले जाओ, परिवहन के लिए आप चले जाओ, ये इधर चलो, उस सबको काम पे लगाए हुए दिन रात हम लोगों के पास। जैसे आपके साथ बैठ के दो मिनट भी बात करने का समय नहीं मिलता, क्या करें? बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली की बात नहीं है, देखिए हमारा भी दिल करता है कि अपने मित्रों के साथ सारा दिन बैठे, लेकिन आदेश ऐसे हैं। जी आप तो अच्छी तरह जानते हैं प्रांत का क्या हाल है। जी बिल्कुल, पुराने खड्डे इतने हैं, अब भरने मुश्किल हो रहे हैं, मुश्किल हो रहे हैं बहुत बहुत, भरना भी बहुत जरूरी है। पर फिर पुराने खड्डों को भरते हैं तो लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ, विकास की तलवार लटक रही है हमारे सर पे। बिल्कुल, एक एक विधायक करेगा क्या बताइए? पुराने खड्डे भरने जाते हैं तो विकास का नाम नहीं नजर आता। वो कहते हैं पहले, वो बाद में देखेंगे, पहले आप विकास योजना के ऊपर चढ़ जाओ। अगर 10 लाख पखाने बनाने हैं सब लोगों को, जितने भी, क्योंकि खुले में शौच अब तो देखो नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब प्रधानमंत्री जी का इतना सख्ती के साथ चारों तरफ से आदेश है कि अब मेरी माताएं, वो तो ये नहीं लिखते कि देश की औरतें, नहीं, मेरी माताएं और बहनें खुले में शौच करती हुई जिस प्रांत में नजर आएंगी वो प्रांत का जो मुखिया है वो जिम्मेदार होगा। मेरी माताएं बहनें बोल रहे हैं, देखिए बोलना ही चाहिए। और मैं कहता हूं भारत को मिला जरूर, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री बहुत लेट मिला। अरे तो मेरे मुंह की बात छीन दिया, मैं क्या करूं सर? बिल्कुल सही। वो कहते हैं कि अब मेरी माताएं बहनें चूल्हा नहीं जलेंगी। इतना उनको हमारे देश की महिलाओं के लिए, वो महिलाएं तो बोलते नहीं मेरी माताएं, माताएं मेरी माताएं बहनें बोलते हैं वो हर बार में। बिल्कुल करना पड़ेगा। बिल्कुल, हम दिन रात जब वो 18 घंटे 19 घंटे काम करते हैं तो हमें तो घर में तो करना, 9 घंटे तो करना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी पड़ जाएगी। हमारे लायक कोई आदेश हो तो बताइए। अरे महाराज आप एक बस, आप कंधे से कंधा लगा के तो खड़े हो, आपके साथ लगा हुआ है, आपके कंधे से हमारा कंधा मजबूत होता है, बस उसकी चिंता मत सोचो। आपके बगैर हम जीरो हैं। नहीं ऐसा नहीं है, फिर भी आप तो आपके साथ, लेकिन आपका आपका जो हमें सपोर्ट मिलता है, जो सहयोग मिलता है, उसी से हम जीवित होके ऊपर आते हैं, नहीं तो आपके बिना हम कैसे आ सकते। अरे आप हैं जो, हम भी हैं, आप ही के कारण तो हमारे लोग भी हमें पूछते हैं। नहीं महाराज, एक बात याद रखो, किसी मंत्री की वजह से जनता नहीं है, जनता की वजह से मंत्री। ये जनता सर्वोपरि, सर्वोपरि हमारा जनतंत्र है, गणतंत्र है। बिल्कुल, मैं तो बस उनका भक्त, हम भी हैं उनका भक्त। बिल्कुल। अच्छा एक बात हमें आपसे ये करनी, हुक्म करिए ना, हमारे एरिया में जो आपने कहा था कि पार्क बनवाएंगे, अरे लोग बहुत जान खाते हैं। मैं आपकी बात समझ गया, एक मुझे बताइए कौन सी ऐसी जगह है जिसको खाली करवा दो। देखो
अपने ही लोगों के झोपड़े बने हुए हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से भी मैंने बात की थी, कहने लगे बाबूजी आप कोई जगह निर्धारित करके दिखाओ जहां पर अपने लोगों के झोपड़े अपने लोगों को उठाएंगे। ये आप स्वयं बताइए अपने एरिया में कोई जगह खाली है ना, ऐसी कोई तो नजर आती नहीं है ना। देखो हमारे हाथ भी बंधे हैं, हम जनता से बंधे हैं, हम तो चाहते हैं कि बहुत बड़ा गार्डन बच्चों के खेलने के लिए, लेकिन रोड के अलावा कोई जगह ही नहीं बची है। सब जगह पे तो सबने अपना अपना झोपड़ा बना दिया है और क्या करें, वो हमारे हमारे लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, हमको उन्होंने निर्वाचित करके ऊपर भेजा है, उनका घर कैसे गिरा जाए वो बता दो। पर कुछ ऐसा कर दीजिए नेता जी, जिससे हमारी भी बनी रहे और आपकी भी चलती रहे, हमें भी अपने लोगों को जवाब देना। मैंने उनसे बात की थी, वहां से आपका जो एरिया है ना उससे, एक मिनट जरा आंख में कुछ चला भी कभी कभी जाता है हमारी आंख में। बाबू जी ऐसा है, मैंने उनसे बात की थी तो हमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने बताया कि बाबूजी 3 किलोमीटर दूर पे एक जगह है, लेकिन यार उसमें थोड़ी दलदल है, बच्चों को बीमार नहीं कर सकते जी। देखिए बच्चे बीमार दलदल में पैर डालेंगे, कितने कीटाणु, कितने वो चूहे, ये वो तमाम दुनिया भर के उनको। तो मैं उनसे बात कर रहा हूं, यदि वो भर्ती करा दे उस जगह की, भर्ती कराने में मिट्टी वगैरह डाल के तो काफी समय, क्योंकि जगह बड़ी है, उसको भर्ती करा देंगे। और मैंने उनसे एक और बात की है, हमारे बस्ती के कम 100 बच्चे वहां खेलने आएंगे, उनके लिए ये व्यवस्था होनी चाहिए कि शाम को 4 बजे 2 बसें भर के उन बच्चों को ले जाया जाए। अरे वाह। 6 बजे उनको खिला के गिनती करके तो बच्चा रह नहीं जाए, रह नहीं जाए। और कोई बड़ा तो आपका वहां से साथ में आएगा ना, जो जिम्मेदारी लेगा तो उसको वापस ले करवा दीजिए तो क्या कहें? करवाएंगे। अरे नहीं महाराज, आप आपकी कृपा से हम हैं। नहीं कृपा से कुछ कृपा तो उन्हीं की है, मैं तो बस मुख्यमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी के आदेश के पालन कर रहा हूँ। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं, और कोई हमारे लायक सेवा हो तो बताते हैं। आप ही कृपा से हम यहाँ बैठे, तो नेताजी थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनका अनुग्रह है हमारे ऊपर और आप लोगों का सहयोग है। तो हमारा सहयोग तो हमेशा आपके साथ है। बहुत धन्यवाद, आप आए, मैं गदगद हो गया हूँ। बस केवल मुझे थोड़ा समय दीजिए, उस जगह पर ना भर्ती करा दो, बच्चों का पैर को फंस जाएगा तो कल को हमारे ही गले पे फंदा आ जाएगा कि ये बच्चों को लेके गए, इन्होंने दलदल में फंसवा दिया। नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा कर लेता। ठीक ठीक, अच्छा नहीं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चाय पानी तो कुछ नहीं, कहीं और मिलेंगे, और लोगों से मिलना है। अच्छा, मैं भी जरा अपने काम में कार्य में व्यस्त। आइए महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू।